यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वहीं उत्तराखंड में अगले 6 महीने के लिए चारधाम यात्रा बंद हो गई है। कोरोना की वजह से कम श्रद्धालुओं ने इस बार दर्शन किए हैं। केवल 3,10,000 श्रद्धालुओं ने इस बार दर्शन किए। पिछले साल यह आंकड़ा 32 लाख था। 32 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम के दर्शन किए थे, जो कि इस बार 3,10,000 तक रहा। विनोद से इस पर अपडेट लेते हैं। विनोद, कोरोना की वजह से इस बार कह लीजिए कि 10 गुना कम यात्री पहुंचे, भक्त पहुंचे। अगले 6 महीने के लिए अब चारधाम यात्रा बंद हो गई। आज देखिए, एक तो चारधाम से कोरोना की मारी जरूर हम कहेंगे, क्योंकि पिछले साल का जो आंकड़ा था, तो जितने भी चारों धामों में श्रद्धालु आए थे उसका 32 लाख का आंकड़ा था, और इस बार केवल 3,10,000 ही श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए हैं। तो एक जरूर माना जाए कि 10% ही इस बार श्रद्धालु आए हैं। और जैसा कि आपको भी पता है कि लगातार उत्तराखंड हो या पूरा देश हो, कोरोना संकट काल मंडराता रहा, तो लेकिन ऐसे में राज्य सरकार ने यात्रा को सुचारू रखने के लिए प्रयास तो किए, लेकिन श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बहुत ही कम है। और 3,10,000 श्रद्धालुओं ने इस बार चारों धामों में दर्शन किए हैं। और हालांकि इस बार अब उत्तराखंड में चार धाम यात्रा 6 माह के लिए यानी शीतकाल के लिए बंद कर दी गई है, तो इस पूरे आंकड़े को ये कहा जाए कि कोरोना संकट काल की मार पूरी तरह से चारधाम यात्रा पर पड़ी है। और जहां एक तरफ ये 3 लाख यात्री यहां पर पहुंचे थे, तो पुराने साल का जो आंकड़ा था वो बहुत ही ज्यादा आंकड़ा था, और 32 लाख को पिछले साल श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, तो इस बार जो आंकड़े हैं वो इस बार 3,10,000 के आंकड़े हैं। तो इसको आज तक हम जरूर यही कहेंगे कि चारधाम यात्रा पर कोरोना संकट काल पूर्ण रूप से मंडराता रहा। जी हाँ, बिल्कुल, कोरोना काल जो है वो हावी दिखाई दिया। चारधाम यात्रा किस तरह प्रभावित हुई कोरोना की वजह से, कितने कम श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, ये आंकड़ा हमने दर्शकों को बताया। जानकारी के लिए शुक्रिया विनोद आपका।